कहते हैं ना कि हमारी किस्मत हमारे माथे पर लिखी होती है, पर उसे हम पढ़ नहीं सकते। इनफैक्ट कोई भी नहीं पढ़ सकता। ऐसी किस्मत लिखे होने का क्या ही फायदा। हेलो दोस्तों, नाम है निशा चांद, किसी कहानी किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आ गई हूँ नॉवल द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान, जो 2019 में लिखी गई, लिखा मरियन कमाली ने। इस नॉवल की समरी का सेकेंड पार्ट, ये नॉवल जो लव स्टोरी है, लव स्टोरी है एक ईरानियन कपल भामन और रोया की, 1953 से 2013 के बीच की ये कहानी जो हम सबका दिल छू रही है। नॉवल की समरी का फर्स्ट पार्ट आपने जरूर सुना होगा पिछले हफ्ते, अगर नहीं सुना है तो लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से लिंक लेकर आप नॉवल की समरी का फर्स्ट पार्ट सुन सकते हैं। ये कहानी जो शुरू हुई थी ईरान में, जब रोया और भामन बहुत छोटे थे, रोया 17 साल की थी, प्यार हुआ था भामन से, ऐसा प्यार जो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि टूट भी सकता है, ये प्यार जो सगाई तक भी पहुंचा था पर शादी तक नहीं पहुंच पाया था, कारण रोया आज तक नहीं जानती। आज रोया 77 साल की हो चुकी है। रोया ने अपने इस प्यार को कहीं दफना दिया था, भूल चुकी थी, शादी कर ली थी, एक बेटा हो गया है वॉल्टर नाम का, उसका हस्बैंड जो उसे बहुत प्यार करता है। वॉल्टर जैसा हस्बैंड पाना एक्चुअल में एक बहुत किस्मत की बात थी। आज जब रोया सोचती है तो शायद भामन भी उसे उतना प्यार नहीं दे पाता, पर फिर भी एक कोने में वो भामन को बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत मिस करती है, जानना चाहती है कारण क्यों भामन ने वो रिश्ता तोड़ा। नॉवल की समरी को आगे बढ़ाते हैं, 1953 से 54 के बीच की बात है। रोया का रिश्ता भामन के साथ टूट चुका था, भामन की माँ का फोन आ चुका था कि भामन शैला के साथ शादी कर रहा है, वो लड़की जो बहुत अमीर है, जिसे उसकी माँ ने उसे हमेशा से चुना था। रोया बहुत टूट चुकी है, बहुत दुखी रहती है, रोती रहती है, उदास रहती है। उसके माता पिता को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जारी उसकी छोटी बहन उसे बहुत समझाती है, पर रोया नहीं समझ पा रही आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। एक दिन उसके पिता जब घर लौटे तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटियों को अमेरिका भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। वो हमेशा से चाहते थे कि रोया एक साइंटिस्ट बने। रोया का इंटरेस्ट था इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने में, पोएम्स पढ़ने में, पर आज उसके सारे इंटरेस्ट खत्म हो चुके हैं। हालांकि जारी भी अमेरिका जाने के लिए बहुत रिलक्टेंट है, माँ तो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती। उनका कहना है कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और उनके पिता का कहना है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, आज भी शाह का शासन है, पता नहीं क्या होगा। अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनका बॉस इनकी हेल्प करना चाहता है, इन्हें स्कॉलरशिप भी दिलवाने को तैयार है, तो उन्हें अपनी बेटियों को अमेरिका भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। रोया भी अपना ये देश छोड़कर नहीं जाना चाहती। हालांकि जारी तैयार है, वो अपनी बहन को इस दुख से बाहर निकालना चाहती है। जारी का एक लड़के के साथ अफेयर है, फिर भी वो रोया के लिए सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार है। रोया ने उसे कहा था कि तुम क्यों मेरी वजह से सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हो। जारी ने कहा था, मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। माँ बहुत मुश्किलों से मान गई थी, एप्लीकेशंस भर दी गई थी, दोनों बेटियों को इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया गया था, तैयारियां शुरू हो गई थी। भामन के दोस्त जहांगीर के थ्रू रोया को पता चला था कि भामन की शादी को 2 महीने हो चुके हैं। अब इस देश में उसके लिए कुछ बचा भी नहीं है। वो सड़कें, वो गलियां जहां पर वो भामन का हाथ पकड़कर घूमती थी, वो कहीं भी उसे अपनी बाहों में ले लेता था, उसे किस करने लगता था, उसका राइट था रोया के ऊपर। अब वो उन गलियों में जब अकेली जाएगी तो लोग उसे देखकर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। इस शर्म से रोया घर के बाहर भी नहीं निकल पाती थी। वो स्टेशनरी शॉप जहाँ जाना उसे बहुत पसंद था, अब वो स्टेशनरी शॉप भी नहीं रही थी, तो इस शहर में रहने का कोई मकसद भी नहीं बचा था। पर प्यार तो था ही। जारी ने रोया को समझाया था, हम अमेरिका जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे और वापस आकर इसी देश में रहेंगे, यही नौकरी करेंगे, माँ बाबा के साथ रहेंगे, उन्हें प्राउड फील करवाएंगे, उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। रोया मान गई थी। पता चला था कि वो भामन जो दुनिया बदलना चाहता था, उसने ऑयल इंडस्ट्री में नौकरी ले ली थी, अब दुनिया बदलने का आइडिया उसने भी ड्रॉप कर दिया था। रोया और जारी की एप्लीकेशन फिल कर दी गई थी। कुछ दिनों के बाद उधर से एक्सेप्टेंस भी आ गया था, तैयारियां जाने के लिए शुरू हो गई थी। इस समय टाइम लग गया था, जारी का हाई स्कूल भी पूरा हो गया था, अब ये दोनों एक ही क्लास में जाएंगी। दोनों अमेरिका अकेली जा रही थी, माँ के लिए बहुत तकलीफ का मोमेंट था।
जिस दिन ये लोग जाने वाली थी, पापा ने भी उन्हें शहर का एक बड़ा हिस्सा घुमा दिया था। देख लो तुम्हारा देश, अब तुम यहाँ से बहुत दूर जाने वाली हो। दोनों को एयरपोर्ट छोड़ आए थे। माँ बहुत रोई थी। दोनों बेटियों की आंखों में भी बहुत आंसू थे, पर आगे बढ़ना था। पिता अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकते थे और वो उसे साइंटिस्ट भी तो बनाना चाहते थे। ये दोनों कैलिफोर्निया पहुंच गई थी, एडमिशन हो गया था, पढ़ाई शुरू हो गई थी, ओकेजनली माँ बाबा से बात करती रहती थी और बीच बीच में रोया जहांगीर को भी फोन करती थी ताकि भामन का हालचाल भी पता चलता रहे। 1956 नॉवेल्स की दुनिया को छोड़कर रोया पूरी तरह से केमिस्ट्री की दुनिया में डूब गई थी। अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रही थी। वहीं जारी ने अमेरिकन कल्चर को बहुत अच्छे से खुले दिल से अपना लिया था। दोनों बहनें बहुत क्लोज हो गई थीं। इधर रोया को अपने देश की माँ बाबा की बहुत याद आती थी, बहुत मिस करती थी। जारी को एक आइडियलिस्टिक रिवोल्यूशनरी लड़का मिल गया था जिसे पोइट्री में बड़ा इंटरेस्ट था और उसकी वजह से जारी का भी इंटरेस्ट पोइट्री में पड़ गया था। वहीं रोया ने पोइट्री को बिल्कुल छोड़ दिया था, केमिस्ट्री अब उसकी दुनिया बन गई थी। आज रोया एक कैफे शॉप में थी, केमिस्ट्री का पेपर था, तैयारी कर रही थी, काफी कंफ्यूज थी, लाइन में खड़ी हुई थी कॉफी के लिए। तभी उसके हाथ से चम्मच गिर गई। चम्मच उठाने लगी तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा था जिसकी कॉफी पर उसका हाथ लगा और सारी कॉफी जमीन पर गिर गई। वो लड़का जो एक कार्टून कैरेक्टर टिंटिन के जैसे लग रहा था, बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था, जैसे किसी टीवी सीरियल में से निकल कर आया हो। रोया बहुत घबरा गई थी और फर्श पे गिरी कॉफी पहुंचने लगी थी। तब उस लड़के ने रोया की मदद की थी और कहा था कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कॉफी पसंद नहीं आई थी, मैं दूसरी ही लेने वाला था, इसलिए तुम गिल्टी मत फील करो। रोया जब अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई थी तब वो आया था और रोया को ज्वाइन कर लिया था। उस लड़के का नाम था वॉल्टर आर्चर। वॉल्टर जो बहुत सिंसियर लड़का था, बात करने में बहुत इजी गोइंग था, बहुत कैजुअली बात कर रहा था। वो बॉस्टन से था और उसे भी यहाँ कैलिफोर्नियन कल्चर को एक्सेप्ट करने में, उसमें ढलने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। और देखते ही देखते दोनों दोस्त बन गए थे। दोनों ने प्लान बनाया था आर्ट गैलरी एक साथ जाने का एग्जाम्स के बाद। रोया और वॉल्टर दोस्त बन गए थे और जारी और जैक बिशप, लाइफ अच्छी चल रही थी। ये तो कहानी थी रोया की, पर भामन के साथ क्या हुआ था, क्यों वो उस दिन नहीं आया था। 1957, 4 साल हो चुके हैं। भामन ने रोया को चिट्ठी लिखी है। रोया, काश तुम उस दिन अपना मन ना बदलती, काश तुम मेरे परिवार को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती। तुम्हारी चिट्ठी मिली थी जिसमें तुमने लिखा कि तुम मेरी माँ के साथ नहीं सहन कर पाओगी, तुम मेरी माँ की बातें और नहीं सुन पाओगी, तुम मेरे परिवार को नहीं एक्सेप्ट कर पाओगी और इस वजह से तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पढ़कर बहुत दुख हुआ था। अब तो माँ की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, काश उस समय तुम मेरी माँ को एक्सेप्ट कर लेती, तुम इस तरह से मुझे छोड़ कर ना जाती, पर यह तुम्हारी जिंदगी है और मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहता था रोया, इसलिए मैंने तुम्हें कोई जिद नहीं की, कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। हालांकि मुझे तकलीफ बहुत हुई, माँ की मेंटल स्टेट काफ़ी टाइम से ख़राब थी। मेरी माँ एक गरीब घर से थी, पर मेरे पिता, उन्होंने हमेशा उनके लिए सबसे लड़ाई की, उन्हें हमेशा प्यार दिया, वो इज्जत दी। काश तुम भी मुझे वो प्यार, वो इज्जत दे पाती, काश तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर पाती। जानता हूँ मेरी माँ ने हम दोनों के प्यार को वो इज्जत नहीं दी जो मेरे बाबा ने उनको और उनके प्यार को दी। जहांगीर ने तुम्हें बताया ही होगा, पिछले साल पिता का देहांत हो गया। मैं एक पेट्रोलियम कंपनी में काम कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्यों हुआ, 4 साल पहले हम दोनों की ज़िंदगी क्यों बदल गई? मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है रोया, और वो प्यार मैंने पाया भी था, ना जाने क्यों सब कुछ इस तरह से बदल गया। बहुत तकलीफ होती है। एक्चुअल में भामन भी उस दिन स्क्वायर पर आया था, भरसापा स्क्वायर नहीं, भारिस्तान स्क्वायर, और वो वहां पर रुका था, शादी करना चाहता था। बहुत इंतजार किया था उसने उस दिन रोया का, पर रोया नहीं आई थी। उसे लग रहा है कि रोया ने उसे धोखा दिया है। उधर 1957 से 1959 के बीच में अमेरिका में रोया वॉल्टर आर्चर के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू कर चुकी थी। दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। रोया जो कि ईरानी पर्शियन फूड को बहुत ज्यादा मिस करती थी,
उसने अपने हॉस्टल में वार्डन की परमिशन से किचन को वीकेंड पे यूज करना शुरू किया था। वाल्टर को बुलाती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और वो बहुत इंजॉय करता था, बहुत खुश होके वो खाना खाता था। इनफैक्ट खाना बनाने में वो रोया की हेल्प भी करता था। ईरान में तो ऐसा नहीं होता था, वहां पर जेंट्स खाना खाना पसंद करते थे, बनाना तो बिल्कुल नहीं। कोई भी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता था उतनी, कोई भी उतना खाना बनाने में हेल्प नहीं करता था, पर वाल्टर करता था, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग था। एक साल हो गया था इन दोनों की दोस्ती को, वाल्टर ने उसे प्रपोज किया था और रोया ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया था। जब रोया ने ये बात जारी को बताई थी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसके पास हजार क्वेश्चंस थे पूछने को। कैसे प्रपोज किया, क्या कहा उसने, और तुमने बस ऐसे ही हाँ कह दिया, कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं। ओ माय गॉड, शादी पता है कितनी तैयारी करनी होगी, तुम ड्रेस कहाँ से खरीदोगी, पार्टी कहाँ पर रखेंगे, और मॉम डैड को तुमने बताया भी नहीं, बस हाँ कह दिया, उन्हें बताएंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलो जल्दी से मॉम डैड को फोन करते हैं, वो शादी में आ पाएंगे क्या रोया? रोया ने कहा, अरे बाबा रुक जाओ, थोड़ा स्लो चलो, हर सवाल का जवाब होगा, पर अभी थोड़ा टाइम तो दो मुझे, एक्सेप्ट तो करने दो, हुआ क्या है मेरी जिंदगी में। रोया जब अपने कमरे में गई तो सोचने लगी थी कि जारी के सारे क्वेश्चंस हैं तो वैलिड, उन सब के जवाब उसे ढूंढने तो होंगे, बिना माँ बाप से पूछे उसने हाँ तो कह दिया, पर कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे। पर जब उसने माँ बाबा को बताया तो वो खुश हुए थे और उन्होंने तैयारी की थी, वो रोया की शादी अटेंड करने अमेरिका आए थे। वाल्टर की माँ एलिस बहुत प्यारी सी थी, उसने रोया को बहुत प्यार से एक्सेप्ट भी किया था, पर उसकी एक बहन भी थी पेट्रिशा, जिसे रोया नहीं पसंद आई थी, जो काफी कोल्ड थी, जो रोया को बहुत रिलेक्टेंटली देख रही थी। रोया उसे लग रहा था कि उसके भाई के हिसाब से ठीक नहीं है, पर शादी हो गई थी, वाल्टर उसे बहुत प्यार करता था। इन लोगों ने बॉस्टन में एक अपना घर ले लिया था, वाल्टर जिसने एक लॉ फर्म में काम करना शुरू कर दिया था। रोया की पढ़ाई पूरी हो गई थी बट उसे एज अ साइंटिस्ट कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उस समय भी लड़कियों को एक्सेप्ट करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लड़कों को ही प्रेफरेंस दी जाती थी। उसने बहुत कोशिश की थी पर कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इधर पेट्रिशा कभी कभी घर आती थी और बहुत पूरी तरह से रोया से बात करती थी, हालांकि वाल्टर उसे सेव करता था, वाल्टर उसे बहुत सपोर्ट करता था, अपनी बहन को समझाने की कोशिश भी करता था, फिर भी जाने अनजाने में वो रोया को हर्ट कर देती थी। उसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि उसका भाई बहुत खुश रहे। उसे लगता था कि ये लड़की मेरे भाई को उतना अच्छा खुश नहीं रख पाएगी, इतना अच्छा खाना नहीं बना पाएगी, उतना अच्छा घर परिवार नहीं दे पाएगी। हालांकि रोया वाल्टर को हर तरह से खुश रखना चाहती थी और वाल्टर उसके साथ बहुत खुश था अभी। पेट्रिशा फोर्स करती रहती थी कि रोया को बच्चा पैदा करना चाहिए, रोया उसके लिए तैयार नहीं थी। उसे याद आ जाती थी बामन की माँ की वो बात, बच्चे मर भी जाते हैं। एक नई जिंदगी इस दुनिया में लाने के लिए रोया अभी तैयार नहीं थी। उधर जारी ने भी तय कर लिया था कि वो जैक बिशप से शादी करेगी, पर माँ बाबा का दोबारा अमेरिका आना बहुत मुश्किल था, इतना खर्चा वो नहीं कर सकते थे, इसलिए रोया और वाल्टर के प्रेजेंस में जारी और जैक ने भी शादी कर ली थी। जैक और जारी का कपल भी बहुत अच्छा था, जैक जारी को बहुत प्यार करता था, एक दूसरे की दोनों रिस्पेक्ट करते थे। जैक ने एक एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करना शुरू कर दिया था, जिंदगी दोनों की अच्छी चलने लगी थी। हालांकि रोया थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी अपने काम को लेकर, पर वाल्टर ने बताया था कि एक जगह एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब अवेलेबल है, रोया नहीं करना चाहती थी बट क्योंकि एज अ साइंटिस्ट उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, उसने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली थी। 1958 में जब रोया ने जहांगीर से बात की तो पता चला कि बामन के ट्विन्स हुए हैं। वो अपने बच्चों के साथ ऑक्यूपाइड था, फिर भी रोया को बहुत याद करता था। उसकी माँ ने रोया के साथ अच्छा नहीं किया था, रोया भी नहीं जानती थी, हालांकि उस वक्त वो भी नहीं जानता था कि वो अपनी माँ का पहला बच्चा नहीं था, पांचवा बच्चा था। उसकी माँ पहले चार बच्चे खो चुकी थी, दो बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, एक मिसकैरेज हो गया था और एक बच्चे की जान उसके जन्म के एक साल के अंदर ही चली गई थी। यही कारण था भामन की मां के डिप्रेशन का, उनके दिमागी हालत का। 1962 to 1963 जारी मां बन गई थी, रोया ने उसे लेटर भेजा था कांग्रेचुलेशंस का। जहांगीर के थ्रू पता चल गया था कि बामन के भी ट्विन्स हुए हैं, हर तरफ से बच्चों की न्यूज आ रही थी, पर अभी रोया
एक जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने करियर को लेकर भी बहुत खुश तो नहीं थी, वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी और एक सेक्रेटरी की तरह काम कर रही थी, हालांकि वो बहुत सिंसियरली अपनी जॉब कर रही थी। वॉल्टर ने कहा था, तुम अपना टाइम ले सकती हो, जब तक तुम तैयार नहीं होगी मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। हालांकि वॉल्टर की सिस्टर उसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी, पर वॉल्टर ने उसे टाइम दिया था। अब काफी टाइम बीत चुका था और रोया ने अपना मन बना लिया था। उसने फाइनली एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम इन लोगों ने मैरीगोल्ड रखा था। मैरीगोल्ड बहुत क्यूट थी। थामन के बाद इतनी खुशी रोया को कभी किसी ने नहीं दी थी। वो बहुत खुश थी और मैरीगोल्ड के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची रोया और वॉल्टर को बहुत खुशियां दे रही थी। एलिस भी इन दोनों के साथ इस खुशी में शामिल होने आई थी, पर शायद भगवान को रोया की खुशी मंजूर नहीं थी। वो नन्ही सी जान बीमार हो गई थी, बहुत तेज बुखार था, बहुत खांस रही थी। उस दिन वॉल्टर, रोया और एलिस उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए थे, पर हॉस्पिटल जाने के आधे घंटे के अंदर ही मैरीगोल्ड ये दुनिया छोड़कर, इन सबको छोड़कर चली गई थी। रोया के हाथ पैरों में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके, उसका एक कदम भी नहीं बढ़ रहा था। वो मैरीगोल्ड के बिना घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वॉल्टर और एलिस उसे बहुत संभाल रहे थे, बहुत समझा रहे थे। घर आने के बाद उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वॉल्टर उसे बहुत सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए चाय बनाता, खाना बनाता। दुखी तो वो भी बहुत था, पर उसके लिए रोया बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसे वो हर कीमत पर इस डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। ना तो उसका काम पर जाने को जी करता था, ना खाना बनाने को, ना घर साफ करने को। पूरा घर ऐसे कैसा पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रही थी वो। तब जारी अपने दो बच्चों को लेकर उसके घर पर आई थी, डेरियस और लैला। लैला को देखकर रोया को मैरीगोल्ड की याद आती थी। याद क्यों, वो तो कभी उसे भूली ही नहीं थी। वो उसे मैरीगोल्ड की तरह ही लगती थी। जारी ने रोया का पूरा घर साफ किया, हर चीज जगह पर रखी, खाना बनाया, इन दोनों को खाना बनाकर खिलाया। वो हर तरह से रोया का ध्यान रख रही थी, बहुत सपोर्ट कर रही थी, उसे वापस जिंदगी जीना वो सिखा रही थी। उसे काम पर भेजना शुरू किया था, कहा था कि तुम्हें जिंदगी तो जीनी ही होगी। पारसी न्यू ईयर आया था। रोया के लिए तो अब कोई भी त्योहार मायने नहीं रखता था, वो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। उस दिन पेट्रिशा आई थी बहुत सारी चीजें हाथ में लेकर। वो पर्शियन न्यू ईयर मनाने के लिए जो स्पाइसेस चाहिए होती हैं, वो सारी स्पाइसेस पेट्रिशा लेकर आई थी। सैफ्रन भी लेकर आई थी और कहा था, मेरे लिए वो चाय नहीं बनाऊंगी। रोया बहुत इमोशनल हो गई थी, उसने पेट्रिशा के लिए चाय बनाई थी। पेट्रिशा ने रोया को सॉरी कहा था। रोया समझ नहीं पा रही थी, मैरीगोल्ड के जाने पर दुख प्रकट कर रही है या जो उसका बिहेवियर था। पेट्रिशा ने जाते जाते कहा था, मैरीगोल्ड के जाने का हमें बहुत दुख है, बट हम खुश हैं कि तुम हमारे साथ हो। आंखों में आंसू लिए पेट्रिशा चली गई थी। जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। वॉल्टर बहुत सक्सेसफुल हो गया था, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में उसे काम मिल चुका था, सब कुछ बहुत अच्छा था। इन दोनों की 5th एनिवर्सरी आई थी, तब ये लोग डिनर करने गए थे। तब वॉल्टर ने पूछा था, क्या तुम तैयार हो दोबारा माँ बनने के लिए? रोया ने मना किया था। वॉल्टर एक बार तो वहाँ से उठकर चला गया था। रोया को लग रहा था कि उसने गलत किया। वॉल्टर, उसने बहुत टाइम दिया है रोया को, बहुत संभाला है। पर वॉल्टर उसके पास आया था और उसे कहा था, तुम जब तैयार हो तब बता देना। 2013, यहाँ ऑथर हमें बता रहा है क्लेरा के बारे में। क्लेरा जो कि डक्सटन सीनियर सेंटर में काम करती है। क्लेरा जब बहुत छोटी थी तब उसने अपनी माँ को खो दिया था। उसकी माँ को कैंसर था, पिता का एक्सीडेंट हो गया था। उसके लिए फैमिली का कोई मतलब नहीं था। जब बड़ी हो गई थी, पढ़ाई लिखाई कर ली थी, तब फेसबुक पर वो लोगों की फैमिलीज देखती थी, उनके प्रोफाइल्स, उनकी पिक्चर्स, बस वही लाइक करना, वही उसकी एक्चुअल फैमिली थी और कुछ भी नहीं था। जब से उसने डक्सटन सीनियर सेंटर ज्वाइन किया था, तब से वो सब लोग उसकी फैमिली बन गए थे। वहाँ के लोगों से बात करना, उनकी हेल्प करना उसे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ बामन, जिसे वो बैड मैन बुलाती थी, उसके साथ बात करना उसे बहुत पसंद था। बामन ने उसे अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया था, ईरान के बारे में, यहाँ तक कि रोया के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। कहानी एक बार फिर से हमें 1978 में ले जाती है। 1978 से 1981 के बीच में भामन ने रोया को 3 लेटर्स लिखे थे जो रोया को कभी मिले नहीं।
पहले लेटर में उसने लिखा था कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, 25 साल हो चुके हैं, आज भी मेरे बच्चे सोचते हैं कि अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो ईरान की कंडीशन बहुत बेटर हो जाएगी। आज भी यहाँ पर शाह का शासन ही है और डेमोक्रेसी आने की कोई उम्मीद नहीं है। जहांगीर ने उसे बताया था कि रोया एक बहुत अच्छी जॉब कर रही है और वो रोया को लेकर, उसकी ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश है। दूसरा लेटर बामन ने 1981 में लिखा, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, शाह की हार हुई, डेमोक्रेसी आने की पूरी उम्मीद थी, अमेरिका ने शाह को असाइलम देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था, वो शाह को अपनी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तीसरा लेटर बामन ने लिखा था ईरान इराक वॉर के ड्यूरिंग, उसने लिखा था कि अगर अब तुम इस कंट्री में आओगी ना, तुम इस कंट्री को पहचान भी नहीं पाओगी, इतनी बुरी हालत हो चुकी है, कहीं भी बॉम्बिंग हो जाती है, लोग मर रहे हैं, उसके बच्चे यहाँ रहने में बहुत डर रहे हैं। वो अपने बेटे को लड़ाई में भेजना नहीं चाहता, उसकी बेटी नौकरी करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, पर उसे अलाउड ही नहीं है। जहांगीर जो डॉक्टर बन गया था, उसने आर्मी ज्वाइन की थी और बॉम्बिंग के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कहानी एक बार फिर 2013 में आ जाती है। जारी ग्रैंड मदर बन चुकी है। ये दोनों बहनें वीडियो कॉल पर बातें करती हैं। एक दूसरे को देखना इन्हें अच्छा लगता है। मैरी गोल्ड के जाने के बाद रोया को बहुत टाइम लगा था प्रिपेयर्ड होने में, पर भगवान ने उसे एक बेटा दिया था जिसका नाम इन लोगों ने कायल रखा था। हर साल रोया डरती रहती थी, एक साल हो गया, दो साल हो गया, भगवान अब उससे कायल को छीन लेंगे। पर साल दर साल बीतते चले गए थे और अब कायल एक डॉक्टर बन चुका है, बहुत सक्सेसफुल है। वॉल्टर और रोया बूढ़े हो रहे हैं, सोच रहे थे कि बेटे के लिए सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर दें, सारे पेपर्स तैयार कर दें, उसे हमारे जाने के बाद कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। इन्हीं सब पेपर्स को अरेंज करते हुए ज़रूरत पड़ी थी पेपर क्लिप्स की, और रोया पास ही में खुली एक स्टेशनरी शॉप पर गई थी। उस स्टेशनरी शॉप को देखकर जैसे रोया के हाथ पैर नम हो गए थे। हूबहू वैसी ही स्टेशनरी शॉप जैसी ईरान में थी, बहुत सारी वैसी ही चीजें लगी हुई थी। उसे वहां पर रोमी की वो पोएट्री बुक भी दिखी थी जो वो बचपन में पढ़ा करती थी। लिटरली चक्कर आकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी। तब उस दुकान का मालिक ओमेद आया था, उसने पूछा था, आपको क्या हुआ, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सुनते ही रोया समझ गई थी कि वो एक ईरानी है। रोया ने पूछा था, तुम ईरान से हो, उसने कहा हाँ। आप भी ईरान से हैं, रोया ने कहा हाँ। वो उसके लिए ईरानी चाय बनाकर लाया था, बहुत अच्छी चाय बनाई थी। रोया ने कहा, अरे तुमने तो बड़ी परफेक्ट चाय बनाई है। ओमेद ने कहा, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बनाना सिखाया है। ये रोमी की किताब, रोया ने पूछा। ओमेद ने कहा, ये मेरे पापा की बहुत फेवरेट बुक है, उन्हें ये बुक बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसे हमेशा शेल्फ पर सबसे आगे ही रखना। तुम्हारे पापा, उनका नाम जान सकती हूँ? बामन असलम। नाम सुनकर तो रोया बहुत नम हो गई थी। क्या सच में ये बामन का बेटा है? ओमेद ने कहा, मेरे पापा ने बहुत इंसिस्ट किया था कि मैं इस दुकान को ओल्ड फैशन ही रखूं। तभी देखिए ये मैगजीन्स की सारी किताबें जो यहाँ पर नहीं भी चलती, पर पापा के इंसिस्ट करने पर मैंने यहाँ रखी हैं। ओमेद जो लेट 40s में होगा, उसने बताया उसकी ट्विन सिस्टर उसके साथ यहाँ पर काम करती है। दुनिया कितनी छोटी है बामन असलन, क्या सच में तुम्हारे पापा का नाम यही है? हाँ, क्यों, आप जानती हैं क्या उन्हें? हाँ, मतलब जानती थी। ओ सच में, आप मेरे पापा से मिलना चाहेंगी? वो पास ही में डक्सटन सीनियर सेंटर में है। वैसे तो मैं और मेरी बहन पापा का बहुत ध्यान रखना चाहते थे, पर वो बहुत बीमार रहते हैं और हमें काम भी करना है, फैमिली भी देखनी है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम उन्हें दे नहीं पाते। आप उनसे मिलना चाहेंगी? रोया ने कहा, नहीं नहीं इतना नहीं, बस एक आधी बार मिली थी। फिर भी उम्मीद रोया के साथ सब कुछ शेयर करना चाहता था अपने पापा के बारे में। उसने पूछा था, आप थोड़ा ठीक हुई या नहीं? बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर रोया घर आई थी। वॉल्टर को उसने बामन के बारे में बताया था, बट इतना नहीं, थोड़ा बहुत कि स्कूल डेज में उसे एक लड़के से प्यार हुआ था, बस ज्यादा कुछ नहीं बताया था। पर घर आकर उसने गूगल पर सर्च किया था डक्सटन सीनियर सेंटर, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, क्या वो बामन से मिल सकती है, जान सकती है उस दिन क्यों उसने ऐसा किया?
वो सवाल जो उसने कहीं कोने में दबा दिए थे सारे एक बार फिर सामने आ गए थे। उसे जानना होगा क्यों भामन ने उसे धोखा दिया, क्यों उस दिन वो वहां नहीं आया, क्यों उसने शायला के साथ शादी कर ली, क्यों उसने रोया को छोड़ दिया। उसने वॉल्टर को बताया था उसका पुराना दोस्त यहाँ डक्सटन सीनियर सेंटर में है और वो उससे मिलना चाहती है। तब वॉल्टर के साथ वो डक्सटन सीनियर सेंटर पहुंची थी, क्लैरा के साथ बामन के उस हॉल में पहुंची थी, उसके पास की कुर्सी पर पहुंची थी और उससे पूछा था उस दिन क्यों नहीं आए थे। भामन को भूल जाने की बीमारी है, डायमेंशिया की बीमारी है, उसके हाथ पर ज़्यादा काम नहीं करते, वो व्हीलचेयर पर है। क्लैरा ने बताया था कभी कभी तबीयत थोड़ी ठीक रहती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। उसने सोचा कि अब इस उम्र में क्या शिकायत करनी, जो हो गया सो हो गया, नहीं जानना उसे किसी भी सवाल का जवाब। तब रोया ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया? भामन ने बहुत हैरानी से कहा। हाँ, मतलब जो भी हुआ ठीक है, मैंने तुम्हें उसके लिए माफ कर दिया। माफ कर दिया? तुमने मुझे माफ कर दिया? भामन ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान था। रोया को लग रहा था कि शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद वो चीजें भूल चुका है, उसे नहीं पता मैं किस चीज के लिए उसे माफ कर रही हूँ। भामन ने फिर कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे? मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है रोया, और बहुत मिस किया है, एक एक पल तुम्हें याद किया है मैंने, तुम्हारे बिना ये जिंदगी, जानता हूँ मेरी पत्नी शैला मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, वैसे शैला का देहांत हो चुका है। रोया ने कहा, आई एम सॉरी। उसे कैंसर था, वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी, पर तुम नहीं थी ना, वो तुम हो सकती थी, मुझे तो तुम चाहिए थी ना। रोया को लगा कि पता नहीं ये बामन क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है, शायद इसके दिमाग में चीजें जंबल्ड हो रही हैं। रोया ने कहा, तुम्हें अभी ठीक नहीं लग रहा तो मैं अभी जाती हूँ, बाद में आ जाऊंगी। भामन ने रोया का हाथ पकड़ लिया था। ठीक नहीं लग रहा? मुझे ठीक लग रहा है रोया, मैं इस दिन के लिए कब से इंतजार कर रहा था, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उस दिन स्क्वायर पर भी मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। स्क्वायर पर? रोया सोचने लगी, ये तो स्क्वायर पर आया ही नहीं था, फिर इसने कैसे इंतजार किया होगा। रोया उसकी हालत को समझ रही थी और सोच रही थी कि नहीं, मुझे इसके साथ कुछ डिस्कस नहीं करना। रोया ने कहा, ठीक है भामन, जो हुआ उसे भूल जाओ। भामन ने कहा, भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? सुबह का खाया भूल सकता हूं, अपने बच्चों को भूल सकता हूं, पर वो सब कुछ नहीं भूल सकता, तुम्हारे साथ बिताया एक पल भी नहीं भूल सकता। रोया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, उसे लगा था कि वो मन ही मन कुछ कुछ बोले जा रहा है। काश, काश तुमने मुझे अपना लिया होता, काश तुम मुझे छोड़कर ना जाती। ये सुनकर रोया खड़ी हो गई थी, आखिर ये क्या बोल रहा है, वो तो उसको छोड़कर नहीं गई थी ना, ये तो भामन का ही डिसीजन था, उसी ने तो शादी की थी, उसी ने तो रोया को छोड़ा था, फिर ये सब कुछ क्या बोल रहा है। शायद चीजें उसके दिमाग में बहुत जंबल्ड अप हो चुकी हैं, अभी बात करना सही नहीं होगा। रोया ने कहा, भामन मैं बाद में आऊंगी। भामन ने कहा, नहीं रुक जाओ रोया, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। पर रोया कुछ नहीं सुन पा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहां से चली गई थी। घर आने के कुछ दिनों के बाद भामन का लेटर आया था, एक बहुत बड़ा लेटर जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। एक्चुअल में भामन उस दिन स्क्वायर पर गया था, पर सापा स्क्वायर नहीं, भारिस्तान स्क्वायर। उसने सारी तैयारी की थी, वो रोया से शादी करना चाहता था, पर रोया नहीं आई थी और उसकी चिट्ठी आई थी जिसमें रोया ने लिखा था कि वो उसके परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो उसके परिवार के साथ नहीं रह सकती, और उसने अपने आप को रोया पर फोर्स नहीं किया था। उसने उस लेटर में सब कुछ लिखा था, एक्चुअल में हुआ क्या था। रोया और भामन की सगाई के बाद भामन की माँ बहुत उदास थी, बहुत अपसेट थी, बहुत चीखती चिल्लाती थी, बहुत लड़ती झगड़ती थी। एक दिन वो घर से चली गई थी। भामन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसके पीछे गया, उसे ढूंढता ढूंढता वो पहुंचा उसी स्टेशनरी शॉप पर, और वो मिस्टर फकरी के सामने थी, हाथ में चक्कू था, अपने आप को मार देना चाहती थी। मिस्टर फकरी को बहुत बुरा भला कह रही थी तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने इतना कुछ खोया, अली तुमने मुझे इस्तेमाल किया, कहीं भी तुमने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा दिमाग तुम्हारी वजह से खराब हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने कितने सारे बच्चों को अपने खो दिया, तुमने तो मुझे इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, चले गए, पर मैं जो माँ बनने वाली थी, मैंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मारा।
उसके बाद भगवान ने मुझसे मेरे 3 और बच्चे छीन लिए। तब बहुत मुश्किल से मुझे भामन मिला था और तुमने उसे उस लड़की के हाथों सौंप दिया, फिर सब कुछ तुमने छीन लिया। भामन ने कुछ सुना कुछ नहीं सुन पाया, पर जब उसने देखा तो माँ चक्कू से अपना गला काटने की कोशिश कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से चक्कू छीना था, गले पर से खून निकलने लगा था। उनको लेकर आई थी जहांगीर के पिता, जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने ड्रेसिंग की थी और कहा था कि कुछ समय के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, इस माहौल से दूर चले जाओ, इनका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा, कहीं नॉर्थ में चले जाओ। तब ये लोग नॉर्थ में चले गए थे। जहांगीर ने प्रॉमिस किया था कि वो रोया को सब कुछ बताएगा, रोया और उसके बीच का कनेक्शन बनेगा, पर जहांगीर ने शायद अपना प्रॉमिस नहीं निभाया था। कनेक्शन तो बना था, पर भामन की तरफ की सारी बात उसने रोया को नहीं बताई थी। वहाँ से भी जब भी भामन फ़ोन करने की कोशिश करता तो माँ उसे बहुत कसमें देती और कहती कि अगर तू उस लड़की को फ़ोन करेगा तो मैं जान दे दूंगी। तब भामन ने तय किया था कि किसी को बिना बताए ये लोग चुपचाप जाकर शादी कर लेंगे। और ना जाने किसने इन दोनों के लेटर्स में ये चेंज किया था। भामन दूसरे स्क्वायर पर खड़ा हुआ था और रोया दूसरे स्क्वायर पर। दोनों ने एक दूसरे का इंतजार किया था और निराश होकर दोनों अपने अपने घर चले गए थे। भामन की चिट्ठी रोया के पास आई थी, वो भी उसने नहीं लिखी थी। और जो रोया की चिट्ठी भामन के पास गई, जिसमें रोया ने लिखा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे परिवार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे कभी फ़ोन मत करना, मेरे घर कभी मत आना, कभी मत मिलना मुझसे, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तब उसने रोया की इस बात को रिस्पेक्ट किया था, पर वो बिल्कुल टूट गया था। और जो उसकी माँ ने किया उसने वो सब कुछ किया था। शैला से शादी कर ली थी, बच्चे हो गए थे, रेवोल्यूशन की बातें सारी छोड़ दी थी, पॉलिटिक्स छोड़ दिया था, नौकरी करने लग गया था सीधी साधी। पर एक पल भी रोया को नहीं भूला था, उसे माफ़ भी नहीं किया था क्यों उसने उसके साथ ऐसा किया। अगर वो उस समय उसे अपना लेती, उसके साथ निकाह कर लेती, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती। भामन का ये लेटर पढ़ने के बाद रोया ने डक्सटन सीनियर सेंटर कॉल किया था। पता चला था कि भामन की हालत बहुत ख़राब है, 2 दिन से उसके बच्चे उसके साथ थे, वो बेड पर लेटा हुआ है, उठ भी नहीं पा रहा। रोया ने कहा कि पर उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी। तब क्लैरा ने कहा कि बहुत मुश्किल से लिखी थी और मुझसे ज़बरदस्ती पोस्ट करवाई थी, अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आप आ सकती हैं। रोया भामन से मिलने गई थी, बिस्तर पर लेटा हुआ बहुत वल्नरेबल लग रहा था। रोया ने उसका हाथ थामा था, उसके करीब गई थी, उसे चूमा था। वो इस खुशबू को आज तक भूली नहीं थी, वो इस आदमी को बहुत प्यार करती थी। पता नहीं किसने, शायद भामन की माँ ने या फिर मिस्टर फकरी ने भी उनकी मदद की होगी, उनके साथ जो धोखा किया, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया, उसका खामियाजा भुगतने के लिए उन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया। पर आज जब रोया और भामन ने एक दूसरे का हाथ थामा था तो ऐसे लग रहा था जैसे ये दोनों एक बार फिर 17 साल के हो चुके हैं, वहीं उसी ईरान में, तेहरान में पहुंच चुके हैं। अगले ही दिन भामन ये दुनिया छोड़कर चला गया था। रोया उसी क्रिमेशन पर नहीं जाना चाहती थी, पर क्लैरा ने इंसिस्ट किया था, कहा था कि आप आएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो ये चाहते होंगे। रोया ने कहा कि वॉल्टर कहीं गया हुआ है और मैं अकेले तो ड्राइव करके नहीं आ पाऊंगी। तब क्लैरा ने कहा था मैं आपको घर से ले लूंगी, घर पर छोड़ दूंगी, अब तो ठीक है। क्लैरा रोया को लेकर गई थी, वहाँ वो भामन के बेटा, उसकी बेटी, उसके पोते पोतियों सबसे मिली थी। वो परिवार जिसमें उसे कोई नहीं जानता था, पर हर किसी में वो भामन का अक्ष, भामन की प्रेजेंस देख रही थी। घर आने के बाद जब क्लैरा जाने लगी तब रोया ने कहा अंदर आना चाहोगी, चाय पियोगी। क्लैरा ने कहा अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। तब क्लैरा अंदर आई थी, रोया ने उसे चाय बनाकर पिलाई थी। रोया की उम्र बहुत बढ़ चुकी है इसलिए अब उसने ईरानी खाना बनाना छोड़ दिया था, बहुत मेहनत लगती थी तो सिंपल अमेरिकन फूड खाना ही शुरू कर दिया था। आज उसका मन कर रहा था भामन की पसंद का, वॉल्टर की पसंद का, वो सब कुछ बनाने का। उसने क्लैरा से पूछा रुकोगी डिनर के लिए, मदद करोगी, बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। क्लैरा ने उन सारी डिशेस का नाम लिया जो उसे भामन बैडमैन ने बताई थी। आप ये सब कुछ बनाएंगी? रोया ने कहा हाँ बनाऊंगी, पर मुझे मदद चाहिए होगी तुम्हारी। तब दोनों ने मिलकर ईरानी खाना बनाया था। वॉल्टर जब घर पहुंचा तो उसने कहा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। और ये कौन है? क्लैरा? रोया ने कहा हाँ क्लैरा मुझे छोड़ने आई थी तो मैंने उसे डिनर के लिए रोक लिया।
तब उसने देखा कि वॉल्टर के साथ काइल भी आया है। वो बहुत खुश हो गई थी, उसने अपने बेटे को हग किया था। चारों ने मिलकर उस दिन ईरानी खाने को बहुत एंजॉय किया था। रोया खुश थी कि उसके कंधे से वो बोझ हट गया। वो बातें जो वो जानना चाहती थी, एक्चुअल में उसके हर सवाल का जवाब तो उसे मिल गया। कंफ्यूजन हट गई, वो खुश थी, बहुत खुश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। नॉवल की समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल्स की समरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपकी पसंद की कोई नॉवल है जिसकी समरी आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, मैं प्रॉमिस नहीं करती क्योंकि हर नॉवल मैं पढ़ नहीं पाती, हर नॉवल मुझे अच्छी नहीं लगती, हर नॉवल की समरी मैं शेयर करना वर्थ नहीं समझती और कभी कभी टाइम का क्रंच भी होता है तो नहीं कर पाती, बट ट्राई जरूर करूंगी। आप अच्छी अच्छी नॉवल्स के नाम मुझे भेजते रहा कीजिए, इस तरह से मैं अच्छी अच्छी नॉवल पढ़ भी पाती हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी कर पाती हूँ। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। टिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय, टेक केयर।